फ्रेंड्स लाइफ यानी जिंदगी में कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जब इंसान पूरी तरह हिम्मत हौसला हार जाता है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है, मतलब पूरी तरह अंदर से टूट जाता है और लगता है कि जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। प्रॉब्लम्स इतनी हैवी हो जाती है कि हम एक प्यारी सी जिंदगी को सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर देते हैं। मतलब सुसाइड आपको जानकर अजीब लगेगा कि दुनिया में यस दो मिनट में 3 इंसान सुसाइड कर लेते हैं। आप में से ये वीडियो को कुछ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे और स्टूडेंट्स आपको पता है कि इंडिया में हर 1 घंटे में 1 स्टूडेंट अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता है। फ्रेंड्स हाल में ही 1 जुलाई 2020 को एक न्यूज आई थी, कानपुर यूपी 10th स्टैंडर्ड की एक लड़की अमीशा ने अपने आप को हैंगिंग सुसाइड के जरिए अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। जस्ट मार्क्स के कारण उसके दोस्त के मार्क्स 85% आए और अमीशा के 83%। यार स्टूडेंट्स अभी तो आगे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना होगा। क्या पता जब मैं अमीशा की तरह 10th स्टैंडर्ड में था तो मेरे फाइनल एग्जाम हो रहे थे और एग्जाम के बाद हम सब पूछते थे कि एग्जाम कैसे हुआ। मेरी एक दोस्त आई और उसने मुझसे पूछा कि रवि आपका मैथ का एग्जाम कैसे हुआ। मैंने कहा गुड एंड यू, तो उसने मुझसे कहा बस ठीक। मैंने कहा ओके और फिर से मुझे एक बात बोली कि रवि यदि मैं फेल हो गई तो मैं लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती और मेरे पेरेंट्स का सिर झुक जाएगा। और रवि तुझे पता है मेरे फ्रेंड्स भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे उस टाइम कुछ ज्यादा समझ नहीं थी, मैंने जस्ट ये कहा कि कुछ नहीं होगा। एंड फिर जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो वो मेरे दोस्त सेली में फेल हो गई। मुझे ये बात रिजल्ट के अगले दिन पता चली। आई वाज शॉक्ड कि यार वो सच बोल रही थी। मैंने फिर भी अपने माइंड में यही सोचा कि फिर क्या हुआ, फेल ही हुई है। और नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि उस लड़की के पेरेंट्स ने उसे काफी मारा जस्ट इसीलिए क्योंकि वो फेल हो चुकी थी। और यार मुझे एक बात बहुत अजीब लगी, जो हर कोई बोल रहा था कि इसने अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट कर दिया क्योंकि उसके पापा रिक्शा चलाते थे। एंड नेक्स्ट माय स्कूल में एक पार्टी थी और वो लड़की मेरे पास आकर रोने लगी और जस्ट उसने मुझे एक चीज बोली, आई हेट लाइफ, मेरी जैसी जिंदगी किसी को ना मिले, गॉड मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मैंने उस टाइम उससे कुछ भी नहीं कहा, मेरे माइंड में जस्ट एक चीज चल रही थी कि मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में कुछ करने के लिए। मेरी उस लड़की के साथ लास्ट मीटिंग थी, उसके पेरेंट्स शायद कहीं और शिफ्ट हो गए थे। जब 1 जुलाई को मैंने 10th स्टैंडर्ड की अमीशा की सुसाइड के बारे में पता चला, आई डोंट नो, मैं बार बार यही सोच रहा था कि उस लड़की का क्या हुआ होगा जिसने मुझे ये कहा था कि गॉड मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मैं रवि हर पेरेंट्स से सिर्फ एक बात कहूंगा कि मार्क्स से अपने बच्चे को जज मत कीजिए, उसके अंदर देखिए जो उसे दुनिया में बहुत आगे लेकर जाएगा। आई नो आप पेरेंट्स हैं पर आप एक इंसान भी हैं, अपने बच्चे की स्टडी के साथ साथ ये भी देखिए कि उसका ध्यान इस तरफ ज्यादा है। मार्क्स बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होते बल्कि अपने बच्चे के अंदर काबिलियत पैदा कीजिए। उसे ये बताइए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, हमें जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी और मेरा बच्चा कभी जिंदगी में फेल हो भी गया तो फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा बहुत आगे जाएगा। नॉर्मल लाइफ तो बेटा हर कोई सर्वाइव कर रहा है, हर कोई जॉब कर रहा है, पर माइंड बच्चा ऐसा बनेगा कि वो लाखों लोगों को जॉब देगा। आप सब पेरेंट्स मुझसे ज्यादा जानते हैं और आप ये करते भी हैं, मगर कुछ पेरेंट्स ऐसा नहीं करते, उनके लिए सर्टिफिकेट डिग्री सब कुछ है। जिस तरह वो आप होते हैं उसी तरह अपने बच्चे को कर देते हैं। मेरा कहना गलत नहीं होगा कि शायद इसीलिए कुछ बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। लाइफ बहुत खूबसूरत है, मैं तो जस्ट एक चीज बोलता हूँ, खुद पर यकीन रखिए, आप अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हैं। गॉड ने आपको चांस दिया है, अपने आप को बेशुमार प्यार कीजिए, आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं, खुद को कभी भी धोखा मत दीजिए। फ्रेंड्स चलिए फैक्ट राइट, आपका एक अच्छा दोस्त है, दोस्त आपको
आती। विनर्स कभी हार नहीं मानते, विनर्स को जीतने का मजा ही तब आता है जब हर कोई हारने का इंतजार कर रहा हो। आपको अपने सपने पूरे करने के लिए समझदार नहीं बनना बल्कि थोड़ा सा पागल बनना पड़ेगा। किसी ने बहुत खूब लिखा है कि जीत की खातिर जुनून चाहिए, इसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज होनी चाहिए। आज के समय किसी को हराना बहुत आसान है पर किसी से जीतना बहुत कठिन होता है। जिंदगी का खेल कोई भी हो इसमें जीतना जरूरी है, पर सबसे जरूरी जो मैं मानता हूँ कि आप खेल को सीखिए, ना कि ये कि मैंने जीतना है। मतलब कोशिश ऐसी कीजिए कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। यार अब आप जब कोई भी काम करते हैं तो आपको डर लगे तो जस्ट वन थिंग इन माइंड कि मेरा काम वाक्य में बहादुरी से भरा हुआ है। आप मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे ले 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 बेटा ये तो तेरा ही है। सो फ्रेंड्स लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, बहुत कुछ है दुनिया में, जस्ट आपको जमीन से आसमान तक का सफर तय करना होगा। और जब आप आसमान तक पहुंच गए तो उड़ने का मजा बहुत आएगा। ये माइंड से निकाल दीजिए कि मेरे से कुछ होगा या नहीं, अपने आप से कोई भी प्रश्न ना पूछिए, जस्ट वन थिंग इन माइंड मुझे ये करना है और मैं करूँगा। सिंपल अपने आप से बेशुमार प्यार कीजिए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो फैक्ट ब्राइट को सब्सक्राइब एंड आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आगे एक मस्त नई वीडियो में जो शायद आने वाले कुछ सालों में हो हमारे साथ, और ऐसा क्या होगा बस भाई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉच द फैक्ट ब्राइट, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड कीप फोकस कंप्लीटली।